Hey guys, Assalamualaikum, Assalamualaikum, I hope आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है कादियानी गर्ल एक्सेप्ट इस्लाम, हार्ट टचिंग स्टोरी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके देखते हैं इनके लाइफ में इस्लाम कैसे आई, ये कैसे इस्लाम को जाने और इस्लाम कबूल कर लिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। नाजरीन, ये हैरत अंगेज कहानी मारिया नुसरत नामी लड़की की है, जिसने जिंदगी की 21 बहारें कादियानियत में गुजारी। दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ इसके कदमों में था, मगर बावजूद इसकी इन सब आशाओं को खैराबाद कहकर मारिया नुसरत मुशर्रफा इस्लाम हुई। आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो ये बहन अपनी पुरासाइश जिंदगी को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुई। नाजरीन, मारिया नुसरत बयान करती है की वो एक कट्टर कादियानी खानदान में पैदा हुई, जिसने बचपन से मिर्जा कादियानी के बारे में ही सुना था। मारिया नुसरत का ताल्लुक फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से है, जिसने BS ऑनर इंफॉर्मेशन की डिग्री हासिल की। मारिया बताती है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि किस तरह कादियानों की तबलीग लोगों में आम करनी है और किस तरह लोगों को इस गंदगी की तरफ मायल करना है, जबकि लोगों की जहनों में इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक शुकूक शुबहात पैदा करने हैं। मारिया नुसरत के वालिद और ताया अबू कादियानों के सरगर्म रुकन है, इसलिए तालीम से फारिग होने के बाद मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी। एक दिन मैं कादियानों के एक प्रोग्राम में शरीक थी, जिसके आखिर में सवालात और जवाबात का सेशन था, जहाँ कादियानियों के मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर की बहन भी शरीक थी। इसकी बहन से मैंने सवाल किया कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि कुरान करीम में कादियानत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसलिए मेरा आपसे यही सवाल है कि मुझे दिखाया जाए कि आखिर कुरान मजीद में कादियानियत का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ। मारिया नुसरत बताती है, मेरे इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था और बजाय मुझे मुतमईन करने की मेरे साथ लड़ने लगी। मेरी बहन जो कि कादियानों की सरगर्म रुकन थी, मैंने उनसे कहा, देखो मेरे सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं। एक और बात जिसने मुझे शदीद शकूक शुबहात में मुब्तला किया, और वो ये कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि हम मक्का या मदीना में मरेंगे, हालांकि मिर्जा कादियानी की वफात लाहौर में हुई। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जो रास्ता हमारे बड़ों ने हमारे लिए चुना है, इसमें कोई हकीकत नहीं और ये तबाही और हलाकत का रास्ता है। इसके अलावा मारिया नुसरत बताती है कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ही नऊज़ुबिल्लाह खुदा हूँ। ये सब जब मैंने अपने घर वालों से बयान किया तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर कोई इंसान खुदाई का दावा कैसे कर सकता है। यानी ये लोग जहालत में इस कदर डूब चुके हैं, दौलत ने इनको इस कदर अंधा बना दिया है, जिन्हें इन बातों का इलम भी नहीं कि इनका खलीफा न सिर्फ खुद को नऊज़ुबिल्लाह रसूल बल्कि खुदा भी तसव्वुर करता है। हमारी स्कूल के प्रिंसिपल को मालूम था कि कादियानी किस गलाजत और गंदगी का नाम है, इसने मुझे पूरे सबूत दिखाए कि मिर्जा कादियानी इस्लाम और मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, अहले बैत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। जब ये तमाम बातें मैंने सुनी और मिर्जा कादियानी की हकीकत मेरे सामने आई, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि आखिर कैसे जिस शख्स को हम अपना नबी मानते हैं वो कैसे इतनी गुस्ताखिया कर सकता है, वो इतना बदकिरदार और जलील कैसे हो सकता है, कैसे अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी कर सकता है। इसके बाद मैं इंतहाई परेशानी की हालत में स्कूल से घर आई। उसी रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मारिया नुसरत बयान करती है, मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद हूँ। सख्त गर्मियों के दिन है, मैं घर से बाहर अकेली मौजूद हूँ। मेरा सर भी नंगा है और मेरे पाँव भी। मैं डर के मारे दौड़ना शुरू कर देती हूँ कि शायद कोई मुझे मारने आ रहा है। मैं जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ती हूँ, लेकिन जब खुद को देखती हूँ तो एक कदम भी मेरा आगे नहीं बढ़ता। इस बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी दौड़ी, इतनी हिम्मत की, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाई। उस वक्त मेरी आंख खुल जाती है और मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर है और मुझे अपने आप से बहुत गंदी बदबू आती है। फिर इसके बाद ये ख्वाब मुझे कई बार आया, और जब भी मुझे ये ख्वाब आता मैं और ज्यादा डर जाती। मैं इंतहाई तजब्जुब और बेचैनी का शिकार थी, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरी मुलाकात एक साबिका कादी यानी इरफान महमूद से हुई, जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और दीनी इस्लाम की दावत और तबलीग का काम भी करते हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मेरी इस्लाम के मुतालिक काफी शुकूक शुबहात दूर किए। इसके बाद मैंने मिर्जा कादियानी पर करोड़ों लानतें भेजी और इस्लाम कबूल किया।
मारिया नुसरत मजीद बताती है, इसके बाद मैं घर गई और अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मुझे कोई ऐसी निशानी दिखा ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने आज जो किया और जो रास्ता अपने लिए चुना वो वाकई सच और हक का रास्ता है। उसी रात मैंने वही ख्वाब देखा कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद हूँ, सख्त गर्मियों के दिन है और कोई मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ आ रहा है। मैं डर के मारे जान बचाने के लिए भाग जाती हूँ, लेकिन इस दफा मामला बिल्कुल उलट था। जब डर के मारे भागना शुरू किया तो भागते भागते एक पक्की सड़क पर पहुँच गयी। मेरा सर जो पहले नंगा होता था अब उस पर एक सफेद चादर आसमान की तरफ से आई। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मेरे आगे एक नौजवान अहराम बांधे खड़ा है। जब मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो मैंने सब्ज गुम्बद और मीनार को पाया और इसके बाद फौरन मेरी आँख खुल जाती है। जहाँ पहले इसी ख्वाब से जागने के बाद मेरे जिस्म और पसीने से इंतहाई अजीब किस्म की बदबू आती, लेकिन इस बार मुझे अपने आप से इतनी खुशबू और महक महसूस हुई जो मेरे लिए वाकई करिश्मा था। मैंने इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरा दिल इतना मुतमईन नहीं था, मगर इस ख्वाब के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की हकानियत और सच्चाई जाहिर की। अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में अपनी नबी का रोजा दिखाया और समझाया कि आज तुमने जो किया बिल्कुल सच्चाई और हक का रास्ता है। इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। जो ये लेडी बात बोले तो कादियानी के ऊपर हम एक और भी वीडियो बनाए थे जिसमें हमें पता नहीं था, हमें ऐसा लगा कि जो मुसलमान होते हैं उन्हीं का एक फिरका है जिसे कादियानी बोलते हैं, लेकिन कादियानी वो होता है जो खुद ही अपने आप को नबी होने का दावा करता है। और जैसे कि उस वीडियो में बताया कि वो एक बार मतलब ऐसी चीज़ें भी बोलता था वो कि वही क्रिएटर है, इस दुनिया को बनाने वाला वही है, अगर वो इस दुनिया को बनाने वाला होता तो उसे मौत कैसे आती, वो फिर इंसान नहीं हो सकते हैं ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो था। ये जब जाने इस्लाम के बारे में और रिसर्च किए, जब इनके एक लाइफ में एक चीज़ें आई कि यार कादियानी कुरान में लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, तो जब ये चेक करे खुद तो इन्हें समझ में आया कि यार नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ लिखा नहीं हुआ है, उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे क्रिएटर ने जो कुरान में बोला है कि मैं हिदायत देने वाला हूँ, तो क्रिएटर की तरफ से इनको हिदायत मिली है, लेकिन जब तक आप खुद एक कदम नहीं बढ़ाओगे तो कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आएगी। तो इनको क्वेश्चन आया कि कादियानी आखिर लिखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ये लोग, तो कादियानी लिखा कहाँ है। इन्होंने ढूंढा तो पता चला कि सच बिल्कुल अलग है कुरान से, मतलब इस्लाम से। और मैं भी जहाँ तक जानती हूँ तो इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो लास्ट पैगंबर आए थे, जो नबी थे, लास्ट मैसेंजर, वही 1400 साल पहले आए हैं और उनके बाद बोला गया है कि उनके बाद कोई भी मैसेंजर नहीं आएगा। फिर ये जो वो जो अहमद कादियानी है वो कैसे बोल सकते हैं कि मैं मैसेंजर हूँ। तो ये तो ये क्लियर हो जाता है कि इनका कोई भी इस्लाम से लेना देना नहीं है। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और आप लोग कितना जानते हो कादियानी के बारे में, तो ये भी आप लोग जरूर बताना, और हम गलत तो नहीं बोले ये भी कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे नहीं होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।